व्यापक नियंत्रण ब्यूरो की सतर्कता शाखा ने इस जांच में दूसरी बार विजिट की है। इस बार हम लोगों के मुंबई आगमन के पश्चात हमने 7 गवाहों को अपनी जांच में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कलेक्ट किए हैं। पूरी टीम ने क्राइम सीन को विजिट किया है और कोशिश किया है इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। जांच के संदर्भ में कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई से एक औपचारिक और शिष्टाचार भेंट की गई है और उन्होंने हमारी टीम को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि इस जांच में उनका पूरा सहयोग मिलेगा और देश को नशा मुक्त बनाने में एनसीबी के काम में भी पूरी तरह से उनका सहयोग मिलेगा। जांच अभी जारी है, इसको हम प्रायोरिटी पर कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण जांच है जिसको हम खुद जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, परंतु अभी इस कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण गवाहों को शामिल करना अभी बाकी है। उनको एग्जामिन करने के पश्चात शायद हम लोग किसी निष्कर्ष की ओर बढ़े। हालांकि जो हमारे मुख्य विटनेस थे प्रभाकर सैल, उन्होंने इस बार आके अपना बयान दर्ज कराया है और भी एक दो इंपॉर्टेंट विटनेसेस को हम लोगों ने एग्जामिन किया है। जांच की गति और दिशा से हमारी ये पूरी टीम संतुष्ट है और हम लोग जल्दी से जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें। सर, एनी आइडिया विदिन हाउ मेनी डेज वो आर टेंटेटिव इन्वेस्टिगेशन? आई विल से एएसएपी, वी कांट गिव एनी टाइम लिमिट बिकॉज सर्टन थिंग्स आर बियॉन्ड अस। सो लेट पीपल जॉइन इन्वेस्टिगेशन एंड इन फैक्ट देयर इज अ वॉल्यूमस डाटा टू बी एनालाइज्ड। सो आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा एंड linking up the evidences, we'll reach conclusion, but we are also looking at concluding it as early as possible. किरण गोस्वामी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आप लोगों ने कोर्ट से भी मांग की है, थोड़ा सा उसके बारे में। किरण गोस्वामी के लिए माननीय न्यायालय में एक अर्जी दी गई है और उस पर सुनवाई आने वाले सोमवार को है। हमें उम्मीद है कि गोस्वामी, अभी जैसा कि सुनने में आया था शायद वो फिर 2 दिन की पुलिस में है, तो जब भी वो जुडिशियल कस्टडी में पहुंचेंगे माननीय न्यायालय के आदेश पर हम उनको एग्जामिन कर। आरोपों पर जांच हो रही थी, उस बिना पर जांच हो रही थी, उससे मैराथन पूछताछ हुई, जवाबों से संतुष्ट है या प्रभाकर सैल को दोबारा बुलाएंगे पूछताछ? प्रभाकर सैल से हम लोगों ने 2 दिन तक लगातार पूछताछ की और उनसे साक्ष्य जुटाने की कोशिश की है। अब जो भी उन्होंने जवाब दिए हैं या साक्ष्य दिए हैं उनको साझा करना इस समय मीडिया में उचित नहीं होगा। दोबारा बुलाएंगे इनको पूछताछ के लिए? अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग फिर बुलाएंगे। सर, एक अभी पिछले 2 दिन में क्या हवाला रैकेट से जुड़े हुए लोगों से भी पूछताछ की है? गाड़ियां है कि पैसों का जो लेन देन हुआ था उसके बीच में खड़ी, इन लोगों से पूछताछ हुई है क्या? मैं जांच के संदर्भ में किसी भी ऐसी चीज को सामने नहीं लाना चाहूंगा जिससे जांच प्रभावित हो। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, गवाह हैं, डेटा है, रिकॉर्ड है, हम सभी को एग्जामिन कर रहे हैं। सर, आपसे कहा कि ये दूसरी बार में 7 लोगों से आप लोगों ने बयान दर्ज किया है, एक का नाम आपने बताया प्रभाकर से, क्या और लोगों के नाम आप बता सकते हैं उसमें महत्वपूर्ण अगर हो तो? मेरे ख्याल से उनका नाम साझा करना उचित नहीं होगा। अगर आप 2 नाम पूछे, अगर आप बताना चाहें तो पूजा दलानी और आरिफ खान का नाम आया है कि आज उनसे पूछताछ हुई है नई मुंबई में कहीं? विजिलेंस की टीम ने उनसे अभी तक कोई पूछताछ नहीं की है। क्या विजिलेंस की टीम पूछताछ करेगी पूजा दलानी, आर्यन खान जैसे? जो भी इसमें महत्वपूर्ण लोग हैं, लिंकिंग एविडेंस हैं, हम उन सभी से बातचीत करेंगे। सीसीटीवी आपको मुंबई पुलिस की तरफ से मिला है क्या अभी तक? कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है, कुछ अभी मिलनी बाकी है। उन्होंने हमें जांच में सहयोग करने का वादा किया है। सर, प्रभाकर साहिल ने जो चीजें कही थी, क्या सीसीटीवी फुटेज उसको मैच कर रही है? मैंने बताया कि जांच के
के निष्कर्ष और जांच को प्रभावित करने वाले तथ्यों पर मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।